बहुत कम ऐसी मूवीज होती हैं जिनको देखने के लिए उत्सुकता होती है, और ऐसी मूवी 21 जुलाई को थिएटर्स में आने वाली है जिसका नाम है मेजर। ये मूवी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी के लाइफ के ऊपर आधारित है, जो 26/11 अटैक हुए मुंबई में जो शहीद हो गए थे। मात्र 31 साल के थे मेजर संदीप जी जब इन्होंने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया था देश की सेवा के लिए। और ठीक ऐसी एक मूवी रॉकेटरी जो नंबी नारायण जी की लाइफ पर आधारित है वो भी आ रही है। देखो कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जिसमें कहूँ जिनको देखने के लिए उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और यकीन मानो कि ये जो मूवीज हैं जब आप इसको देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जो इनके मेकर्स हैं, जो मेजर जो मूवी है इनके मेकर्स और जो रॉकेटरी मूवी है इनके जो मेकर्स हैं, सच में हम इनके ऊपर यकीन कर सकते हैं कि ये जो मूवीज बनाएंगे तो इनमें कोई फालतू का प्रोपोगेंडा नहीं होगा। जैसे कि बॉलीवुड जो फालतू का प्रोपोगेंडा बना देते हैं और जिसमें भारत को वो एक अलग ही तरीके का दिखाने की कोशिश करते हैं, आर्मी को एक अलग टाइप का दिखाने की कोशिश करते हैं, आर्मी के ऊपर अलग अलग तरीकों के इल्ज़ाम वो लगा देते हैं, उनकी छवि को वो खराब करने की कोशिश करते हैं। खैर मुझे घटिया सोच के बारे में बात नहीं करनी है, मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ मेजर मूवी का जो टीजर रिलीज हुआ है उसके बारे में। जब आप मेजर संदीप जी के बारे में सर्च करोगे तो आप एक चीज नोटिस करना, वहां पे उनकी इमेज को देखना, उनकी जो इमेज है और इस मूवी में अधिविशेष जो उनके रोल प्ले कर रहे हैं, और इवन इन्होंने इनकी कहानी को लिखा है, मूवी को लिखा है और जो मेन भूमिका में यही है, जब आप इन दोनों को देखोगे तो इनकी इमेज मतलब कि फोटो जो है वो एक जैसी आप लोगों को लगेगी, मतलब जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा लग रहे हैं। और जितना इस मूवी में इसका टीजर देखा है उसमें इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छे थे, फायरिंग जो हो रही थी रोंगटे खड़े हो गए थे यार, जो सिर्फ और सिर्फ ये टीजर 1.5 मिनट का ही टीजर है इसको देख कर ही। इस मूवी में मेजर संदीप जी की लाइफ पर ही फोकस किया गया है, और इनके पिता एक इसरो के रिटायर्ड ऑफिसर थे, और धन्य ऐसी माँ जिनकी कोख से ऐसे बेटे ने जन्म लिया जिसने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया देश के लिए। एक देश के लिए जान देना एक अलग ही शान होती है, माँ का सर जो है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है। मेजर संदीप जी केवल 26/11 में जो हमला हुआ है उसमें जो आर्मी गई थी उनको रोकने के लिए, केवल उसमें ही वो शामिल नहीं थे, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिशंस में हिस्सा लिया हुआ था, उसमें वो शामिल रहे थे, जैसे ऑपरेशन विजय के अंदर ये शामिल रहे थे, जो कारगिल युद्ध हुआ था, जैसे वो कारगिल खत्म होने के बाद इनको तुरंत प्रमोट कर दिया गया था, कैप्टन बना दिया गया था, फिर उसके बाद मेजर बना दिया गया था। इवन जब आप इनके बारे में पढ़ोगे सच में एक इंस्पिरेशन की लाइफ है, आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो और उसको बहुत अच्छे से, सच यकीन मानो कि जो मूवी जो टीजर देखा है तो ऐसा फील हुआ है कि यार इसमें बहुत बढ़िया तरीके से इनकी लाइफ को रिप्रेजेंट किया गया होगा। और जैसा कि मैंने कहा बहुत कम ऐसी मूवीज होती हैं जिनको दिल से देखने की इच्छा होती है, और उन्हीं मूवीज में से ये एक मेजर मूवी है और रॉकेटरी मूवी है। सच में ये जो हमारे रियल हीरो हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो ये जो मूवीज हैं एक्चुअल में जो जनरेशन है जिनको बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अपने ही देश के जो जवान हैं जो शहीद हो गए हैं जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पता नहीं है, एटलीस्ट उनको पता तो चलेगा कि कितने जबरदस्त कितने बढ़िया जो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया अपने देश के लिए, उनसे बहुत कुछ जो ये लोग हैं वो सीख सकते हैं। एंड आई होप सो ये जो मूवी है आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया एक बहुत बढ़िया ब्लॉकबस्टर के रूप में जाए, भारत का हर एक इंसान इस मूवी को देखे और उनसे बहुत कुछ सीखे। कोई छोटी चीज़ नहीं होती देश के लिए जान देना, इसको फील कर कर देखो कि अपनी जान को अपने देश के लिए कुर्बान कर देना कितनी एक महान चीज है, शहीद हो जाना ये कहलाना इसमें कितना मजा है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।